नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राहुल रावल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। उत्तर पूर्वी भाग में चली तेज आंधी, भवानी मंडी शहर में गर्मी का असर हुआ कम। सुनेल में न्याय आपके द्वार शिविर का हुआ आयोजन, समस्याओं के मौके पर ही किया निस्तारण। एक युवक पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला, डग थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव का है मामला। कृषि उपज मंडी प्रांगण रायपुर में बैठक हुई आयोजित, अनेकों समस्याओं को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। बाइक चोर गिरफ्तार, 20 दिन पूर्व हुई थी बाइक चोरी की घटना, डग पुलिस ने की कार्यवाही। बकानी में न्याय आपके द्वार शिविर का हुआ आयोजन, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को दी विस्तार से जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र में बड़ाए के अटल सेवा केंद्र पर राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के तहत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद रेंगर के अगुवाई में 15 विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से बताया। शिविर में संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं शिविर में 8 महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए। वहीं 12 प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का निर्माण स्वीकृति पत्र व 20 मृदा कार्ड वितरित किए गए। ये मृदा परीक्षण कार्ड है जिससे पता चलता है कि कौन से कार्ड की जरूरत। उसके बाद गीता भाई धूली लाल तैयार है और जिनको और ग्राम पंचायत से आग्रह करूंगा। पिड़ावा उपखंड की ग्राम पंचायत ढाबला कीची में एसडीएम राकेश मीणा की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार शिविर आयोजित किया गया। शिविर में राजस्व संबंधी कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 7 पात्र लोगों को मौके पर ही वृद्धावस्था पेंशन जारी की गई। इसके अलावा अन्य विभागों द्वारा भी मौके पर ही संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। शिविर में तहसीलदार राजेंद्र शर्मा, बीडीओ महेश चौधरी, प्रधान कन्हैयालाल पाटीदार, पालिका अध्यक्ष निर्मल शर्मा, जनपद बर्दीलाल भंडारी, सरपंच बनय सिंह आदि ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। डग झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में 20 दिन पहले एक युवक प्रहलाद शराब के नशे में अपने ही गांव में एक युवक को विक्रम पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में फरियादी युवक विक्रम ने डग थाना क्षेत्र के आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, तभी से आरोपी फरार चल रहा था। डग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धारा 307 के तहत किया गिरफ्तार। डग झालावाड़ जिले की डग थाना पुलिस को मिली सफलता, क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में 20 दिन पहले 2 बाइक चोरी हुई। मुखबिर की सूचना पर तिसाई गांव के पास से पीपलिया खुर्द कंजर डेरे में 2 कंजर दिलीप व विक्रम को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी के पास से बाइक बरामद की गई। साथ ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने भवानी मंडी कोर्ट में किया पेश। एक आरोपी दिलीप कंजर को न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि दूसरे आरोपी विक्रम कंजर को 2 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा गया। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में दिनांक 7/5/2018 सोमवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण रायपुर में बैठक रखी गई, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जैसे कि डूब क्षेत्र में किसानों को मुआवजा नहीं देने, 2015 मुआवजे में देरी करने, 50,000 का ऋण माफी में गुमराह करने, लहसुन को भावांतर योजनाओं में खरीदी करवाने व लहसुन की 25 mm साइज को खत्म करने जैसी अनेकों समस्याओं को लेकर एसडीएम पिड़ावा को रायपुर अटल सेवा केंद्र में ज्ञापन दिया गया। बैठक में जिला महामंत्री राधेश्याम गुजर, जिला प्रचार प्रमुख मुकेश मेहर, युवा प्रमुख महेश मेहर, राजस्व प्रमुख बजरंग पटेल, पिड़ावा अध्यक्ष धन सिंह गुजर, सुनील अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी, सत्यनारायण पाटीदार, मंत्री कालूराम दांगी, अर्जुन गुजर, शोवरहाम दिलीप सिंह, श्याम सुंदर, रामलाल दांगी, गोविंद पाटीदार, कैलाश सेन, राजू प्रकाश आदि उपस्थित थे।
भवानी मंडी राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में चल रही तेज आंधी के बाद शहर के आसमान पर भी धूल की गर्त छा गई। सोमवार रात तक शहर का मौसम सही था, लेकिन सुबह जब लोग उठे तो आसमान पर धूल छा रही थी, जो दोपहर तक दिखाई दी। आसमान पर धूल की परत जमी होने की वजह से शहर में गर्मी का असर भी कम दिखाई दिया। वहीं दोपहिया वाहन चालकों ने बताया कि उड़ रही बारीक धूल के कण आंखों की पुतलियों पर जम रहे हैं। ऐसे में बिना चश्मे के बाहर नहीं निकला जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन के निर्देश के बाद उपखंड स्तर पर भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। नगर पालिका व विद्युत विभाग के अधिकारियों को क्रेन, जेसीबी व अन्य संसाधन रखने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आंधी की स्थिति में लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने एवं सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। भवानी मंडी नगर पालिका ने डग मार्ग पर देवरिया गांव के समीप विजय राजे सिंधिया शिक्षण संस्थान को अंतिम नोटिस जारी कर 18,78,000 रुपए बाह्य शुल्क को जमा कराने के निर्देश दिए। पालिका अधिशासी अधिकारी ऋषभ देव ओला ने जारी नोटिस के हवाले से बताया कि विजय राजे सिंधिया शिक्षण संस्थान पर सन 2015 मार्च से नगर पालिका का बाह्य शुल्क के 11,96,711 रुपए एवं ब्याज 6,82,125 कुल 18,78,835 रुपए बकाया चल रहे हैं, जिसको जमा कराने के लिए नगर पालिका ने संस्थान को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन संस्थान द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई। 7 दिनों में संस्थान ये राशि जमा नहीं करवाती है तो नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 के तहत पट्टा निरस्ती की कार्रवाई होगी। सोमवार को भाजपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला प्रमुख मानसिंह चौहान, भगवतपुरा व भाजपा नेता घनश्याम पारेता ने पत्रकार वार्ता कर नगर पालिका भाजपा बोर्ड को जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर ने भी चौहान पर आरोप लगाए थे। अब भाजपा नेताओं के बीच की इस खींचतान को नतीजा है निकला कि मंगलवार को पालिका को जवाबी कार्रवाई करते हुए विजय राजे सिंधिया शिक्षण संस्थान पर बकाया राशि का नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि नेताओं की झगड़ों के बीच नगर पालिका को अब जरूर करीब 19,00,000 रुपए की आय हो जाएगी। विशेष सूचना खबर 24 में आपके व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर सुनहरा मौका। आप भी अपने विज्ञापन खबर 24 को दे सकते हैं। सभी निजी संस्थानों के लिए विशेष ऑफर। ऑफर के लिए संपर्क करें 07433322829। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।